हेलो दोस्तों, तो आज हम समझेंगे कि अगर हम रेफ्रिजरेटर को खुला छोड़ दें तो उससे क्या होगा। स्टूडेंट, हमारे ये एमसीक्यू में आता है कि अगर रेफ्रिजरेटर को ओपन छोड़ दिया, क्या पूरा रूम ठंडा हो जाएगा? क्या ऐसा हो सकता है? तो मेरे भाई, इसका देखें हम बात करते हैं। अगर मान लीजिए कि हमने ये रेफ्रिजरेटर को किचन के अंदर यहां रख दिया, रूम के अंदर रख दिया। आप कहोगे कि रूम के अंदर रख दिया तो क्या रूम पूरा ठंडा हो जाएगा या रूम गर्म हो जाएगा? तो इसका आंसर पहले सुन लीजिए, रूम गर्म हो जाएगा। रूम ठंडा नहीं होगा, रूम गर्म हो जाएगा। कैसे? क्योंकि मेरे भाई हो क्या रहा है, यहां की हीट देखो, अब कहां की हीट उठा रहा है, ये पूरे रूम की हीट को उठाना शुरू कर देगा। यहां 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 जितनी भी गर्मी है इसको ये उठाना शुरू करेगा, इसके अंदर की जो हीट है उसको भी उठाएगा। उठाने के बाद फेंकेगा कहां? कहां फेंकेगा? रूम के अंदर ही। आप ये चीज देखो, अगर मान लीजिए मैं कहता हूं कि रूम के अंदर से मैं मिट्टी, मान लीजिए मिट्टी उखाड़ता हूं, मिट्टी निकालता हूं और रूम के अंदर ही फेंक रहा हूं, तो भाई कहां से मैं इसकी सफाई कर लूंगा रूम की? या मैं रूम के अंदर झाड़ू लगाता हूं और रूम के अंदर ही फिर से फेंक देता हूं, तो वो सफाई थोड़ी ना हुई। ये यहां से हीट उठा रहा है और यहीं पे फेंक रहा है। फेंक कहां रहा है? ये आपने देखा, ये कंडेंसर है, यहां से हीट बाहर जाती है, यहां से खींची जाती है और यहां से बाहर फेंकी जाती है। आप कहोगे सर फिर तो हीट उतनी ही रही ना, हीट जितनी उठाई उतनी फेंक दी, तो हीट तो उतनी रही, गर्म कैसे हुआ? गर्म हुआ क्योंकि भाई साहब यहां पे चल रहा है कंप्रेसर, यहां चल रहा है कंप्रेसर। अब कंप्रेसर जो वर्क कर रहा है वहां से हीट एनर्जी निकल रही है, वो एक्स्ट्रा हीट एनर्जी है जो हम दे रहे हैं और रूम के अंदर प्रोवाइड कर रहे हैं, यहां से हीट। और इवन ज्यादा, अब देखो कहीं तो, एक तो है कि फ्रिज छोटा फ्रिज है, बंद फ्रिज है और बंद के अंदर से हीट उठानी और काम, उसके बाद वो बंद भी हो जाता है, रेफ्रिजरेटर बंद भी हो जाता है। आपने आवाज सुनी टक, ऐसे आवाज आएगी और वो बंद हो जाता है रेफ्रिजरेटर। वो क्यों? क्योंकि उसने जितनी हीट उठानी थी उठा चुका, वो उसके बाद वो बंद हो गया। लेकिन रूम के अंदर की हीट कहाँ, वो खत्म ही नहीं कर सकता ना, कभी उठा ही जाएगा, फेंकी जाएगा, वो रेफ्रिजरेटर लगातार चलता रहेगा। कंप्रेसर का जोर ज्यादा लगेगा, वर्क डन ज्यादा होगा, हीट एनर्जी ज्यादा होगी, हीट एनर्जी ज्यादा होगी तो रूम गर्म हो जाएगा। सिंपल सी बात समझ आई, इतनी सी बात है। आई होप ये चीज कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो रहे हैं। ये छोटे छोटे क्वेश्चन हैं जो परेशान करते हैं स्टूडेंट्स को। इंटरव्यू, इंटरव्यू वाले मजे लेते हैं आपके, ये बता क्यों है, वो बता क्यों है। हम उनके मजे नहीं लेने देंगे, हम उनको असल में रिप्लाई देंगे कि सर इसलिए ये होता है। आई होप ये चीज आपको समझ आई है। अगर समझ आई तो लाइक का बटन जरूर दबा देना यार, और सब्सक्राइब कर लें। जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करो, सब्सक्राइबर बढ़ा दो, टीचरों के सब्सक्राइबर बढ़ा दो, मम्मी पापा इधर रिश्तेदार सबके फोन उठा के टीचरों के सब्सक्राइबर बढ़ा दो, ताकि टीचर ज्यादा बने अपने इंडिया के अंदर, वर्ल्ड के अंदर टीचर ज्यादा क्रिएट हो और मस्ती वाले नहीं। आई होप ये चीज आपके दिमाग में पड़ रही है। और अगर आप में से कोई SSC JEE RRBJEE की तैयारी करना चाहते हैं, यहाँ पे ऐप का लिंक दे रहा हूँ, ऐप जरूर डाउनलोड करें। थैंक यू सो मच, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे।